रोडी जो जीत जाएंगे गाइस। फाइनली हम आ चुके हैं शिरपुर में। ये अपना बंदा, अपना ब्रदर, और ये इसका दुकान बड़ा सा अपना मालिक। ये अपने मुझे अपना कहे तो बादशाह वगैरह है, ये हमारे भांजिया छोटे छोटे भांजिया, और अपना दुकान, और अपने दुकान में थोड़े से छोटे छोटे ग्राहक भी आए। तो अभी अभी मैं यहाँ पर आया हूँ दोस्तों, और जो मैंने ट्रेलर डाला था वे टू शिरपुर का, वो देख के मेरे जो मेरा जो मतलब मित्र, मेरी जो सिस्टर है उसका मेरे को कॉल आया, बोले तो वहीं पे घूम रहा है, बोले शिरपुर में, और मेरे गांव में आ रहा नहीं, बोले उनका गांव यहाँ से थोड़ा सा दूर है ओडनान था, तो वो बोल रहे कि वहाँ पे भी मिलने का हो, तो देखते हैं अभी अगर मैनेज हुआ तो वहाँ पर भी जाएंगे, थोड़ा सा 15-20 मिनट आधा घंटा वहाँ पर उनके साथ में वक्त बिताएंगे, और वहाँ से निकल कर यहाँ पर आएंगे, शूट करेंगे, और मॉर्निंग को सवेरे सीधा जाएंगे घर पे। सो भाई अपना जो दुकान है वो कैसा लगा, लाइक करो, कमेंट करो, और भाई को तराजू भाई को, भाई को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा कि लाइक बढ़ने चाहिए। हाँ वो भी सही है, और अपना भाई का तराजू काटा है इसमें बहुत सारा, देखो थोड़ा सा डिंग डॉंग है दोस्तों ने। गाइस अपने मौसी 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 गाइस, अभी हम यहाँ पर आए आपके घर में, मतलब अपना ही घर है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अपनी सिस्टर है, मुझे दुकान मिला, ये उनके घर कमी और हमारे घर ज्यादा, ये इनका शादी हो जाए दोस्तों, फिर भी यहाँ पर आने का कुछ मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं। लड़कियाँ कैसे रहती है, पढ़ा था नहीं यहाँ पे आने के बदले मुझे दुकान का काम लगा दे, मतलब बहुत अत्याचार हो रहे हैं लड़की पे, अपन कायदेशीर कार्रवाई करो अपन। गाइस शिरपुर में आए थे और अभी मतलब थोड़े से 10-15 मिनट हुए यहाँ पर आने के बाद में, और जो कॉल आया था हमको ओडनांत से कि वापर मिलने को आओ, तो फाइनली त्यांच्या शब्दाला मान देऊन आता आम्ही तिथे ओडनांतला जात आहेत। ये अपनी बंदी बंदी नहीं है, वो बंदा है, ये अपनी बंदी, तो इसके इसे बैठ के जाएंगे ओडनांत, मिलेंगे वहाँ पर अपनी फैमिली से, और आपको भी दिखाएंगे अपनी फैमिली कैसी कैसी नहीं है। तो भाई चलते हैं ओडनांत की ओर, मिलते हैं आपको ओडनांत में। फाइनली गाइस ओडनांत की ओर, बेटू ओडनांत, और अपनी जो बंदी है उसका मैंने कल के दिन ही काम किया है, लेकिन वो बंदी पे अभी चार चार बंदे बैठ गए, तो उसके दो बंदे अलाउड नहीं थे, जिसने चौक डाला था तो वो बंदा मेरे को बोल रहा था कि इस बाइक में तीन बंदे बिठाना नहीं, बोले दो ही बंदे बैठाए, अगर मैंने उसको बोला भाई दोस्त रहते बैठाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, भाई रहते वो भी सही है, तो फिर उसने बोला म्हणजे लाड वगैरे फक्त आपल्याकडे गाडीचं लाड नाही असं तो मला बोलला, पण आपण त्याला सांगितलं कारण प्रत्येक गोष्टीला फक्त उभार द्यायचा आणि जे आपल्याला करायचं तेच करायचं, और उसने जो बोला होता की दो बंदे बेटा, तो फिलहाल मी चार बंदे बेटाकडे जा रहा हूँ, आपल्या अंगात पण नाही म्हणजे काय मित्रांनो, जर का बाईकचं शॉकअप खराब झाले पुन्हा तिथे जाऊ, 450 रुपये देऊ आणि परत चांगले शॉकअप करू आपण, काही विषय नाही, परत चार जणांपासून। गाइस बहुत बड़ी बहुत ही ट्रॉफिक ट्रॉफिक हमने चारों मुखरे लेकर हमने मंडी पे बैठ कर हम जा रहे हैं ओडनांत की ओर, ये अपना शेरपुर का जो बाजार है, जो गाना निकला था कौन सा वाला था, शेरपुर का शेरपुर कौन सा वाला गाइस गाना होता यार, शेरपुर ना बाजार मानी जा तुला ओ मानी जाना। नया सॉन्ग आने वाला है शिरपुरना बाजार मारी, अरे शिरपुरना बाजार मारी जैसे तुला वो मनी जा रहा, तो वो सॉन्ग अपन डेडिकेट करेंगे अपने अनिकेत भाई को, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, फिर भी अपना जो जुगाड़ है वो चालू है, कुछ चालू है सात सात उसका ये चार पाँच घंटे लेकर पकड़ के रखो गाइस, पकड़ के रखो तोड़ना मत, पकड़ के रख अगर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें लेनी है तो इधर आ जाओ। और यहाँ पर आने के बाद में एक चीज़ को मैंने नोटिस किया कि जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग रिएक्शन देख रहे हैं मेरी तरफ देख रहे हैं, उनको लगा ऐसा लग रहा है साला मुझे नमूना आ जाए ले यहाँ पर कोई, फाइनली गाइस यहाँ पर आए थे स्टूडियो में,
शेरपुर का मनोहर डिजिटल स्टूडियो, और यहाँ पर हम आए थे फ्रेम को परचेस करने के लिए। सो फाइनली परचेस कर लिया, परचेस कर लिया है साइज का। दादा कौन सी साइज है भाई? 12 11 की साइज है मित्रांनो। और इसको का कितने में परचेस किया आपने? 850 में परचेस किया अपने दादा इनका स्टूडियो। और यहाँ पर हम आए थे, इधर तो देखो दादा हाई करो हमारे बंदों को। सो गाइस उन्होंने आई ने बाय कर दिया है। और नाइट को बर्थडे वहाँ पर गिफ्ट देने के लिए वो फ्रेम हमने यहाँ से परचेस किया है। और यहाँ से निकल रहे सीधा अपना जहाँ पर जाना था उड़ना था, तो यहाँ से जाने के बाद में वहाँ पर जाएंगे। वहाँ से रिटर्न आने के बाद में शिरपुर में अपना शूट है, बर्थडे शूट, वो शूट करेंगे और सीधा जाएंगे घर पर। उड़नंत का अपने सिस्टर का घर ताईचा आग्रह होता, आणि त्या आग्रहाला म्हणजे ताईच्या शब्दाला मान देऊन आता आम्ही ताईला भेटण्यासाठी उड़नंत येथे आलेलो आहे। तो इनके साथ में पहले आपको मेरी सिस्टर से मिलाएंगे। ये मेरी सिस्टर, लाइट लगा रहे हुए थोड़ा सा, ये मेरी सिस्टर है। तो सिस्टर ने बोला कि यहाँ पर मिलने को आओ, तो उसके वजह से हम आए शिरपुर से। यहाँ पर 30-35 किलोमीटर यहाँ पर उड़नंत है, कितना है 27 किलोमीटर है गाइस। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम उनके साथ में स्पेंड करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे शेरपुर की। सिस्टर ने बहुत सारा खाना खिला दिया, खाना ऐसा ऊपर आ जा रहा था, तो उसको बोला मेरे सिस्टर ने बहुत प्यार से खिलाया, तो उसको नीचे से नीचे दबाया, साले को अंदर गया अंदर गया। यहाँ पर बहुत सारा प्यार मिला सिस्टर से, उसके लिए थैंक यू। यहाँ से निकलते सीधा अपने शेरपुर, वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और कल के दिन जाएंगे शिरडी। तो गाइस टाटा बाय बाय, सी यू अपना घर है। बहुत बढ़िया सा घर, मेरे को बहुत पसंद आया, आपको दिखाते हैं घर कैसा है। तो आपको थोड़ा सा आगे जाकर घर दिखाएंगे, कितना बढ़िया सा घर है मेरी सिस्टर का, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा घर। और निकलते हैं दोस्तों, सबको टाटा बाय बाय, सी यू, मिलेंगे अगले वीडियो में। All right, so hey guys, watch out everybody, it's your G-Bank the game. No. Our video is baby. और गाइस फिलहाल हम शिरपुर में अपने भांजे का बर्थडे, तो हम डेकोरेट कर रहे हैं यहाँ पर। क्या डेकोरेट कर रहे हैं? अरे ये आ रही है पहले ना, अपन विचार करो। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरे आज मेरे साथ में अपना भाई विवेक, और मेरे साथ में मेरी सिस्टर काजल, काजल के साथ में मेरी भांजी, इसका नाम क्या है, ओवी, और वो अपना बंदा मेरा भाई, वो अभी फिलहाल स्कूल से आया ऐसा लग रहा है मेरे को। कहाँ पे आया तेरा भाई? अरे ज्यादा इनको काटू रे, ते टाइम नहीं ना रे, कहाँ पर टाइम नहीं। सो गाइस फिलहाल हम बर्थडे का डेकोरेशन यहाँ पर कर रहे हैं, और देख सकते जो हमारा माइंड है वो काम नहीं कर रहा है कि यहाँ पर कैसे डेकोरेशन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा रोज का काम नहीं है, हम कभी मधे के खिलाड़ी। ये जो बंदा बोला ये मेन मुद्दे की बात है। तो कैसा है अभी हम सर्च करेंगे गूगल पे डेकोरेशन कैसे करें, गूगल जिसका कोई नहीं उसका गूगल। हेलो गूगल, डेकोरेशन कैसे करें? फाइनल गाइस अपने बंदे ने लैपटॉप लिया है, तो वो अपने को दिखा रहा है अभी बंदे का लैपटॉप, बढ़िया सा बंदे का लैपटॉप है। तो बंदा जो काम था डेकोरेशन का वो नहीं कर रहा है, और रिकामा कर रहा है। अपना जो भाई है वो उधर टेंशन में खड़ा है बेचारा कि क्या करना चाहिए कैसे, लेकिन उसको कोई सजेशन नहीं कर दे रहा है यहाँ पर। और ऊपर से ये जो शाम है वो ढल रही है, ढलती शाम में हम यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और उसके साथ में डेकोरेशन का हम बंदा क्या क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। ये जो बंदा है ये ऐसा लग रहा है मेरे को जेल तैयार कर रहा है यहाँ पर, खेत खाना तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तू नको क्यों आते हो? ये जो लड़की है दोस्तों ये बहुत मेहनत की लड़की है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये बंदिया अकेले काम कर रही है। अब ये लोग रुक लोग क्या कर रहे हैं, रिकामे चर्चा कर रहे हैं, वो बंदिया अकेले काम कर रही है, और उधर भी डेकोरेशन हो रहा है दोस्तों। ये अपनी भांजी, तेरा नाम क्या है, क्या नाम बेटा? बच्चे जब काम काम नहीं करत म्हणा, आपण कशासाठी आले वरती, आपण डेकोरेशन साठी आले ना, मग असे चार जण ते घ्यायसाठी आले का तुझे बर्थडे साठी आले ना बेटा तू, मग सांग ना मामाला, असे रिकाम काम नको सांग मला।
सो गाइस बंदी को समझाया मैंने, ये वीडियो का ये स्टॉप कर दे, और जो अपना जो डेकोरेशन है वो पहले करेंगे, रिकामे काम बाद में करेंगे, फिर जब हो जाएगा सब तब दिखाएंगे तुमको। आपको आपको बने रहिए जीतू भाई के साथ में, अपने विवेक भाई और उनके साथ में कैमरा मैन कैमरामैन अविनाश साड़ुंगे के साथ अनिकेत ड्यूरे। ये जो बंदा है इसको ब्लू कलर के हेडफोन लाने का बोला था तो एक काले लेके आ गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गोष्ट ऐसी है भैया, सो बंदे का माइंड काम नहीं कर रहा है आज, ऐसा लग रहा है। क्या चिकट पट्टी? सो टू इन वन मिल नहीं रही तो क्या कर सकते हैं अपन फिलहाल? गऊ का पीट यूज करेंगे और उसका क्या बनाएंगे? वो जो चिपका चिपकाते हैं उसका गरम गरम करके वो चिपकाएंगे। ब्लू बना बर्थडे का तो फंक्शन है, मतलब जो टाइम है वो निकालना है वो निकाल लेंगे, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे क्योंकि घरेलू घरेलू क्या बोलते उसको नुस्खा, मतलब कैसा है बैकग्राउंड अच्छा रहा है। वो जो सन है कह रहे मून है मून है तो वो भी दाखला बहु थोड़ा निकाल से अपना जो चैनल है द रियल स्टोरी, वो द रियल स्टोरी है लेकिन वो सर्च अगर किया तो मिलता नहीं साला, वो क्योंकि क्या मानगढ़ क्या है वो ओरिजिनल वस्तु अभी भी मुश्किल से मिलती, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। तो हमारा चैनल जो है वो ओरिजिनल है और एकदम प्योर है, ब्रांड ब्रांड में आता है वो, तो इसलिए वो सफलता नहीं है। थोड़ा सा लेट है लेकिन बहुत ही ज्यादा था टेड है। सो गाइस थोड़ा सा स्टॉप करेंगे ब्लॉगिंग को और पहले डेकोरेशन करेंगे क्योंकि कैसा है बंदे नाराज हो जाएंगे। सस्ते में अच्छा डेकोरेशन किया गया है, ये बंदे ने डेकोरेशन किया और सामने वाले को डेकोरेशन देख सकते हैं, उन्होंने पैसा दिया वो पैसा देके किया है। ये लड़के को कम पैसा दिया तो उसकी वजह से हमारा डेकोरेशन खराब कर दिया गाइस बंदे ने, तो इसको ज्यादा कुछ इसको ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, उसको देखेंगे जब अगला बर्थडे आएंगे आएगा तो बदला जरूर लेंगे दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़ी देर में अपना यहाँ पर सेलिब्रेशन होने वाला है तो आपको दिखाएंगे सेलिब्रेशन कैसा होता है कैसे नहीं। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो, आज हम यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, डेकोरेशन वाली बंदी है साइड में, इसने डेकोरेशन किया लेकिन अच्छा नहीं था, 50 रुपये दिए उसको बंदी को और कम पैसे दिए उसके वजह से उसने डेकोरेशन अच्छा नहीं किया। सो और ये गलत गलत फुके लगा दिए और ये गलत लगा दिया, सब कुछ गलत कर दिया। यहाँ पे फुके थे अभी बर्थडे पूरा भी नहीं हुआ, देखो क्या इसी ने फोड़ डाले, ये फुग्गे निकल गए, खाली क्या है साला रस्सी लटक रही है, फुग्गे निकल गए रस्सी लटक रही है, 50 रुपए अंडी फूट गई, 50 रुपए दिए किस काम के? और दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बंदे फोटो शूट, ये अपने फोटोग्राफर है फोटो शूट कर रहे हैं। अरे इतने तुम्हें गाइस जब फोटोग्राफर थे तो उनको फोटो निकालते आया नहीं तो अरे फाइनली गाइस यहाँ पर बर्थडे हो चुका है और बाकी जो है यहाँ पर आप लोग फैमिली मेंबर है तो वो अभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शादी है वो खिला मत, कैसा है अपन वीडियो बना रहे थे तो अपने माँ से गाइस अपन केक खा रहे फिलहाल, तो अभी बर्थडे हो चुका है, बाजू में मामी है, मामी नहीं आते रे गाइस रिलेशन गलत हो गया था मतलब ऐसा अपन मामी नहीं बोल सकते लेकिन वो निकल गया है जबान से, तो क्या है जबान है गलती करती है जबान, तो ज्यादा कुछ नहीं करेगी। हमारा हाथ बहुत गलत, हाँ ये वाला ये जिसका बर्थडे था उसकी मम्मी मतलब मेरी सिस्टर है दोस्तों, ये बंदी
मुखड़ा दिख रहा है, ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद में भी अच्छा नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा थोड़ी देर बाद में अपन यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर देंगे गाइस। तेरे को पूछा क्या मैंने? कौन? इसको 50 रुपए दिया फिर भी अच्छा डेकोरेशन नहीं किया बंदे ने, और ऊपर से ऐसा कर दिए। जुपरी डार्लिंग तू। जुपरी पावना कहाँ जयंत साहब? वीडियो कॉल में। कुटे पावना कहीं स्थानीय